नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के शुभेच्छा के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, जिस होर्डिंग से गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के फोटो गायब होने के बाद बीजेपी के पूर्व मेयर और देवेंद्र फडणवीस के दोस्त संदीप जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। संदीप जोशी ने कहा कि होर्डिंग पर नेताओं के फोटो प्रोटोकॉल के अनुसार है, जबकि हमें निश्चित रूप से पता था कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का पद 50 विधायक वाले एकनाथ शिंदे को दे दिया और वे खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। लड़का देवेंद्र हा पुनः एकदा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे। खरं म्हणजे 5 वर्षात प्रचंड काम देवेंद्रजींनी केलं। 5 वर्षानंतर 106 आमदार देखील निवडून आलेत, पण दुर्दैवाने घात झाला आणि देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होऊ शकले नाही। परंतु आता 2.5 वर्षानंतर अशी परिस्थिती आली होती की देवेंद्रजी आता मुख्यमंत्री होतील अशी या शहरातल्या सर्वसामान्य नागरिकांची, महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा होती, अपेक्षा होती, परंतु दुर्दैवाने ते झालं नाही। माननीय पंतप्रधानांचा फोटो, मग राष्ट्रीय अध्यक्षांचा फोटो, मग नागपूरच्या खासदारांचा फोटो, मग प्रदेशाच्या अध्यक्षांचा फोटो, प्रदेशाच्या सरचिटणीसांचा फोटो आणि त्यानंतर शहराच्या अध्यक्षांचा फोटो। यामुळे कुठल्याही पद्धतीचं राजकारण नव्हे। आम्हाला देवेंद्र फडणवीसांनी कधीही या पद्धतीचं राजकारण करणं हे शिकवलेलंच नाही आहे। या ठिकाणी कुठेही महाराष्ट्रातले पियुष गोयल मंत्री आहे, त्यांचा फोटो नाही आहे आणि त्यामुळे अमितजींचा फोटो नाही आहे। अमितजी आमचे राष्ट्रीय नेते आहे, त्यांच्याबद्दल निश्चितच आम्हाला आदर आहे, जिसका हमें दुख है और इसी कारण हमने पूरे नागपुर शहर में इस तरह के बोर्डिंग लगाए हैं।